हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू क्लास। तो आज क्लास में डिस्कशन करवा VST पार्ट 4। ठीक अच्छे, अलरेडी तीन टा पार्ट आम सारी सारे आशा करें समस्त क्लास देखी थे। PDF टेलीग्राम टेलीग्राम जाइए जॉइन होकर आप PDF पाई। ठीक अच्छे, तो आज क्लास आम पार्ट 4 डिस्कशन करवा। आज किसी क्वेश्चन नहीं प्रिवियसर पेपर को बेस्ट कर, तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक करेंगे, सांगे वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फास्ट क्वेश्चन देला आप देखते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा आपंकर द ओर हाविंग टू डिफरेंट मेटल इज नोन आज गोटे ओर जार की जोटा कि दुटा डिफरेंट मेटाल कॉम्बिनेशन आपंकर तैयारी तो तार ना कौन बोली आपको पचारि। ठीक अच्छे, हेमाटाइट देती, गलेना देती, मैग्नेटाइट देती, देन आपंकर कॉपर पाइराइट देती। कौन आस करेक्ट आंसर देखो, कौन आस करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, कौन आस करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर आसो कॉपर पाइराइट। कौन आस करेक्ट आंसर, दुटा डिफरेंट मेटाल संजोग रही कॉपर पाइराइट है। कॉपर एक्सट्राक्शन होता है कॉपर पाइराइट रू। जदि आम फॉर्मूला कथा कह देखु CuFe देखु कॉपर रहा FeB सीयू रहा FeB रहा है FeS2 एटा हूँ कॉपर पाइराइट। दुटा डिफरेंट मेटाल कॉम्बिनेशन है, मैग्नेटाइट देती, हेमाटाइट देती, गलेना आपंकर कहार PBS कहार एटा ना एटा लेड्र मन रखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपंपा कौन रहा, हेमाटाइट आपंकर जानते आयरन एक्सट्रक्शन होता है हेमाटाइट ओर रू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज, N3-O2-F- देन आपंकर NA+। तो आ भितर कहार सैज आपणकर स्मल है सबुठ स्मल सैज देखते। लगातार तीन टी क्लास है, चारिटी VST पढ़ी, तो चारिटी VST मुझे चारिटाकर है चारिटा क्वेश्चन आपंकर पिक कर सारे है। तो देखो ये क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी, तो यहाँ को आपंकर होमवर्क देवी, कमेंट सेक्शन में काइंडली यार आंसर कहे। तो जो मैंने डेडिकेटेडली तीन टाइम क्लास को देखी थे, तो से माने देखु देखु आंसर कमेंट बॉक्स रे जनईदे। एम समस्ते आईसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, कौन मैंने ट्रेंड रोचे ता विषय में मुझे आगुरी कही। तो आप कमेंट बॉक्स रे कहे, आशा करें समस्ते सठिक आंसर देवे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपंपाई रही, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। क्वेश्चन ने कही द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। स्टेटमेंटा किए देते, यहाँ OA State आसाला कौथर आसाला OA State आसाला। ये क्वेश्चन टी डायरेक्ट डेफिनेशन रू क्वेश्चन आई, जो मैंने भी मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर रो थ्योरी देखि थे से माने करि परिबे। मु आपन डिस्कशन कराई राउल्स ल, तो आरो माने राउल्स ल गोटे अच्छी, तो से राउल्स ल रो एटा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू राउल्स ल मन रखिए, दिस ल सेज दैट बा दिस ल स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सॉल्यूट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सॉल्यूट बा वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ आपणकर किए ना राउल्स ल कही मन रखिए, तो ये डिफिनेशन टा देखिए किए राउल्स ल। सेपरी हेनरी ल अच्छी, तो आपणकर जूल्स ल डाल्टन रुव अच्छी, डाल्टनस ल पार्शियल प्रेशर आम भलसे पढ़ीचे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिए ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 40% ऑक्सीजन, गोटे मेटाल ऑक्साइड अच्छी जोटा कि 40% ऑक्सीजन कंटेन करुच्ची। जदि टोटल ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंटा 100% है ऑक्सीजन 40% आउ बाकी जो 60% रहा, तो सेटा मेटल कंटेन करना ना। ठीक अच्छे, तो मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ताल केते रहा ना 60% रहा मेटल, 40% रहा ऑक्सीजन। तो आम कहीपर 100 ग्राम मेटल मेटल ऑक्साइड रे 40 ग्राम ऑक्सीजन कहपर ना नहीं, तो 40 ग्राम ऑक्सीजन आउ केते मेटल ना 60 ग्राम मेटल, 60 ग्राम मेटल बुझेगा। तो एठु आमे जदि पाइगले नंबर ऑफ माने आमको गिवन मास जे दीदी 40 ग्राम ऑक्सीजन, तो आमे नंबर ऑफ मोल बाहर कर पारे ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन केते हिजबो ना, गिवन मास होची 40, मॉलिक्युलर मास ऑक्सीजन O2 रे रहे, तो मेटल ऑक्साइड रे O आपनकर सिंपल रहइबो, तो आरे 16 हिजबो। तो जदि आम करिया पाखापाखि 2.4 2.5 आसे।
ताने 2.5 मोल है कौन ना नंबर ऑफ मोल है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आम जानू जो मेटाल बैलेंस आपको ये देखो दे बैलेंस ऑफ मेटल इज 2 मेटाल बैलेंस हूँ 2 है। तो मेटल ऑक्साइडर जनरल फॉर्मूला एमओ आप जानते मेटल ऑक्साइड है बैलेंस कार 2 ना मेटल 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के 2.5। तो पचार कौन ना व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मेटल एटॉमिक वेट पचार मैंने सिंपल आम कौन करवा ना आपंकर जो गिवन वेट अच्छी डिवाइड करदे 2.5 जो नंबर ऑफ मोल है। तो यहाँ 24 ग्राम पर मोल यहाँ हो ऑप्शन ए करेक्ट है कौन एटा ऑप्शन ए करेक्ट आसो बुझीला। तो आपन को ये कौन सिंपल पचार मॉलिक्युलर वेट पचार मॉलिक्युलर वेट बा एटॉमिक वेट पचार तो जाणीला। तो सिंपल आम कौन कले ना आपणकर 60 ग्राम होची मेटल है। तो मेटल जदि 60 ग्राम है आम को बाहर कर एटॉमिक वेट तो आम सिंपल 60 2.5 जो आइला नंबर मोल ऑफ ऑक्सीजन तो 2.5 आम जो हरीदे तो जो 24 ग्राम पर मोल आइला एटा होची एटॉमिक वेट ऑफ कार ना आपणकर से जो मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ 0.05 एम एच टू एस ओ फोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 एम एल ऑफ 0.13 एन एन एच विल बी एन एच सल्यूशन ठीक अच्छे। तो यहाँ एम कर दिंतु है सब एम मोलारिटी अच्छे। तो देखो ये क्वेश्चन आपणकर पूरा आप जानते ये नॉर्मलिटी इक्वेशन एटा एन है एटा एन। तो आम नॉर्मलिटी इक्वेशन खाली पुट करदे एन ओन भि ओन समान एन टू भि टू आंसर आसो। बट मुझे जिते बड़े एच टू एसओ फोर केस रही था तो से सब एच टू एसओ फोर दीटा एच प्लस ताने जी आपणकर कौन ना आपणकर कनसनट्रेसन देर आप कौन करूँ ना 2 मल्टीप्लाय करदे। तो यहाँ हो 2 × 0.05 भि ओन के ना भि ओन होकर पचार एन टू हूँ 0.13 भि टू हूँ 80। तो यू आम जब सल्व करा भि ओन के तो भि ओन आपणकर आसीज 0.13 गुणन 80 विभक्त आपणकर 2 गुणन 0.05 2 रे काटले 40 है सल्व करदे आपणकर भि ओन आस 104 ml ऑप्शन ए रे अच्छे 104 ml आसो ऑप्शन ए रे अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हाबर्स प्रोसेस क्वेश्चन ये गोटे क्वेश्चन पड़ेगा। तो आपन को वेस्टेड रे पचार थरे अमोनिया होता है एक्सट्राक्शन अमोनिया मैन्युफैक्चर होता है क्यों प्रोसेस रे ना आप मन रखिए अमोनिया होता है हाबर्स प्रोसेस रे क्यों प्रोसेस रे हाबर्स प्रोसेस रे अमोनिया आपणकर कौन होता है मैन्युफैक्चर होता है ये द कंडीशन व्हिच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड। तो क्यों कंडीशन ने अमोनिया जो बाहर हाबर्स प्रोसेस रे सबुठ मैक्सिमम आपणकर यील्ड आसो माने मैक्सिमम क्वांटिटी आम बाहर कर पारा। तो सेटा को आम कौन बोली कह हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दबा आम ना हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर मन रखिए जितने आम जब अमोनिया को हाई क्वांटिटी यील्ड करा चाहूँ तो आम कौन करवा आगुरी डिस्कसन करी आम टेम्परेचर को फास्ट अफ अल लो करवा लो टेम्परेचर रखा देन आम प्रेसर को बढ़ेगा हाई प्रेसर बढ़ेगा है टेम्परेचर को लो करिया प्रेसर बढ़ेगा। तो ऑप्शन आपणकर सी करेक्ट आंसर आसा हूँ ली चैटलर प्रिंसिपल अंतर्भुक्त। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल कौन कहला ना इफ यू इनक्रीज द प्रेसर ऑफ द सिस्टम देन दिस रेस्पॉन्ड बाय फेवरिंग द रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस फ्यूअर मॉलिक्यूल माने आपण जदि कौन करिवे ना इनक्रीज करिवे प्रेसर हैला तो आपणकर सॉरी ये आपणकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ओके हाँ ठीक अच्छे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो आम जदि कौन भूल कहली मुझको जदि ली चैटलर प्रिंसिपल कहला जदि आम मैक्सिमम यील्ड पाइबाक चाहूचे है मैक्सिमम यील्ड चाहूचे तो आम कौन करा पड़ो ना टेम्परेचर को लो करा पड़ो आ प्रेसर को हाई करा पड़ो। तो सहीटा कही ली चैटलर प्रिंसिपल तो यहाँ मन रखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आस। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग जोटा कि हूँ 0.018।
तो यहाँ गिभेन मास अच्छी तो गिभेन मास पे मॉलिक्युलर मास आम करवा केमी हम ना गिभेन मास हूँ 0.018 बाय मॉलिक्युलर मास वाटर के एच टू हेल्ला 18 तो यहाँ के काटिले यहाँ जो 0.001 तो यहाँ कौन है मोल होगा नंबर ऑफ मोल होगा। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल आम के बाहर करवा नंबर ऑफ मॉलिक्युल के बाहर करवा ना मोल्स इंटू आपण एन ए है तो वन मोल आम जाचे वन मोल हूँ वन मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर तो वन मोल आम मोल के नंबर ऑफ मोल आइला 0.001 अवोगाड्रो नंबर एन ए 6.023 इंटू 10^23 यहाँ गुणी देवे आपणकर आंसर आसीज देखु 6.023 इंटू 10^20 जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छे हला ऑप्शन डी रे अच्छे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10^-14 ये समस्त जानते आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10^-14 तो व्हाट इज द एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 0.1 mmHg सॉल्यूशन तो आमको एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बाहर करके एनएओएच गोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट देखो मन रखु एनएओएच जो भांगे कौन दबे ना एनए प्लस दब गोटे ओएच माइनस गोटे दब तो आमको ये एच प्लस कनसेंट्रेसन आमको बाहर करा ठीक अच्छे तो एच प्लस कनसेंट्रेसन आमको बाहर करा तो यूँ आमको ओएच माइनस कनसेंट्रेसन आयनिक प्रोडक्ट वाटर दे कनसेंट्रेसन इन 0.1 व्हाट इज द एच प्लस एंड कनसेंट्रेसन ओके ये जो 0.1 m दे जेहेतु ये गोटे बेस्ट तो मैंने कनसेंट्रेसन कार गिवेन अच्छे ना ओएच माइनस गिवेन अच्छे बुझीला तो आम आयनिक प्रोडक्ट वाटर के डब्ल्यू फॉर्मूला कौन जानचे ना एच प्लस कनसेंट्रेसन इंटु ओएच माइनस कनसेंट्रेसन यह जानचे ना नहीं तो आमको एच प्लस जदि दरकार कनसेंट्रेसन बाहर करवाक मैंने यहाँ हो के डब्ल्यू बाय ओएच माइनस कनसेंट्रेसन क्लीयर ना नहीं के डब्ल्यू 10^-14 ओएच हूँ 0.1 यू जब सल्व करदे 10^-13 जोटा कि ऑप्शन ने देखु को ऑप्शन अच्छी 10^-13 अच्छे ऑप्शन डी रे तो डी ऑप्शन करेक्ट होला बुझिपाले। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस दैन दैट ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू तो आम जानू जो फ्लोरीन है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन कंपैरिजन में अधिका किंतु इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कथा देखा फ्लोरीन कम क्लोरीन अधिका तो तार कारण कौन थ्योरेटिकली पचार तो आम कौन पढ़चे ना मुझे जो आपको कहे क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन सब कही थाए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन अधिका इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन ता कारण कौन ना फ्लोरीन हूँ कॉम्पैक्ट साइज कौन आर कॉम्पैक्ट साइज बा स्मॉल साइज तो करेक्ट आंसर आसीबो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम ऑप्शन सी रे आपको करेक्ट आंसर देछि ठीक अच्छे मन रखिए ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्सिव फोर्स विदिन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट अब फ्लोरीन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इज लेस हला। नेक्स्ट आसतु नेक्स्ट आपन देछि शेप ऑफ XCF6 केमिति आपन हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्शन करिवे से रिलेटेड काली आपन कहिथिली फार्मूला कहिथिली हला। तो एठे आपन कोन ना शेप पजर जो शेप ऑफ XCF6 तो XCF6 रे आपन को जदि जेनन टेट्राफ्लोराइड जेनन डाइफ्लोराइड जेनन हेक्साफ्लोराइड तीनटा आपन मन रखिबे हाइब्रिडाइजेशन मन रखिबे तो आपको एग्जाम देखा मिलेगा आउटा हूँ F6 XCF2 रहा SP3D हाइब्रिडाइजेशन लिनियर एटा कौन ना SP3D2 एटा कौन SP3D3 आर स्ट्रक्चर पचार हम ऑप्शन सी डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल कौन हम डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल है यहाँ हूँ स्क्वायर प्लानर यहाँ हूँ डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन अच्छे तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिए देखो द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपको डेल पी वैल्यू दे दीजिए केते ना 1.0 × 10^-5 देन अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स पोजिशन विल बी तो आपको डेल एक्स पचार तो डेल पी दे दीजिए डेल एक्स पचार केमी बाहर करा तो आम जानू अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स इंटु डेल पी इज इक्वल टू एच बाय 4π तो आमको पचार कौन ना डेल एक्स पचार मैंने यहाँ हो एच बाय 4π इंटु डेल पी है एच रैल्यू तो अलवेज आप जानते 6.626 × 10^-34 है 6 to 5 यहाँ है
देन फोर पाए जेहेतु ये सिक्स देती मुझे सिक्स नहीं थी है फोर पाए तो फोर पाए रैल्यू ये थ्री पॉइंट वन फोर वन पुट करूँ डेल पी हो वन पॉइंट जीरो टेन टू दिवार माइनस फाइव मुझक प्रिवियसली चार पाँचटा क्लास रू कही टाइप प्रोब्लेम को आज सल्व करने को ट्राए करूँ घर है तो आपको एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम है तो यहाँ को आप सल्व करेंगे आपंकर आंसर आसो मुझे कही रखुच्छे आप सल्व कर देखिए फाइव पॉइंट टू सेवेन इन टू इंटू दिवार थर्टी आसो यहाँ सल्व कर देखिए इतनी आसना ना है तो आपको कही रखिली फर्मूला आप खाली घर ये टाइप प्रोब्लेम को प्राक्ट करेंगे एग्जाम निहाती भाव में आपको हेल्पफुल हम हाउ मेनी पाई बॉन्ड देखो पाई बॉन्ड कैलकुलेशन रू क्वेश्चन आसो हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फर्स्ट जिन देखो फर्स्ट जिन गोटे अच्छी फर्स्ट फिन गोटे अच्छी फर्स्ट फिन गोटे अच्छी फर्स्ट जिन गोटे अच्छी तो आपड़ कन्फ्यूज हे तो यार कन्फ्यूजन टी रहे फर्स्ट जिन फर्स्ट फिन एका प्राय तो शुभुची तो आप फर्स्ट फिन हो पी एच थ्री जमी एन एच थ्री भाया फर्स्ट जिन आपर अलग जोटा कि हूँ कौन सी डबल बॉन्ड सी एल सी एल एटा हूँ फर्स्ट जिन है पाए बॉन्ड देखा ये तो गोटे डबल बॉन्ड अच्छी तो पाए बॉन्ड गोटे ऑप्शन ए आसो करेक्ट है आपको अदरवाइज कौन कह जाए आपको अदरवाइज कार्बोनिल क्लोराइड बोली कह जाए है कार्बोनिल क्लोराइड कह जाए स्ट्रक्चर मन रखिले फर्स्ट जिन केतरा पाए बॉन्ड अच्छी गोटे पाए बॉन्ड अच्छी है जदि आम देखा गोटे डबल बॉन्ड रे गोटे सिग्मा गोटे पाए ट्रिपल बॉन्ड रे दीटा गोटे सिग्मा दीटा पाए हला नेक्स्ट एन फैक्टर फॉर एच टू एस ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन टू एसओ टू देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एन फैक्टर कैलकुलेट करने को एन फैक्टर कौन मुझी एन फैक्टर सिंपल किसी ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट रे केते चेंजेस है सेटा ही हूँ एन फैक्टर फॉर एच टू एस ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन टू एस एसओ टू ताने एच टू एस इनिशियली थिला देन ऑक्सीडेशन है कि एसओ टू है तो आपको कही एन फैक्टर के देखु यो स्टेट रे ये देखूँ सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फर ये जब देखा आम हाइड्रोजन हो दुई हाइड्रोजन प्लस वन सो करे इक्वल टू जीरो तो एक्स के माइनस टू ताने ये माइनस टू सल्फर डाइऑक्साइड मैंने सल्फर डाइऑक्साइड क्षेत्र में देखो एक्स माइनस आपणकर ये टू अच्छी ऑक्सीजन माइनस टू सो करे ताने एक्स इक्वल टू प्लस फोर होने इटा हो गला प्लस फोर तो मैंने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बा एन फैक्टर केते आसीबो ना एन फैक्टर आसीबो आपणकर प्लस अफ फोर आम सेमती खाली फोर भी लिखिपर माइनस अफ माइनस टू तो चार युक्त दुई सामान के ना छे एन फैक्टर केते आसीबो ना एन फैक्टर छ आसीबो बुझेला ना नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन इक्वल एंड मास जदि पचार एन फैक्टर बाहर करके तो आप टाइप करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपैरिजन करेंगे तो आप बाहर करेंगे मुझे भी आपको प्रीवियसली कही प्रीवियस एग्जाम आसाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए देखो इथाइलिन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन फॉर्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट क्वेश्चन आपको खाली टी बुझीदे आपको किसी करने पड़ोन जो क्लोरीनेसन होता है ब्रोमिनेसन होता है जेनराली यहाँ कौन होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक हालोजेनेसन होता है यहाँ फ्री रेडिकल आदि फ्री रेडिकल मन रखिए तो आप सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथिन अच्छी है इथिन सहित जितने ब्रोमिन बी आर टू लगला देखु सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू जितने ब्रोमिन आपणकर बी आर टू लगला तो सी कौन हम ना सी एच एटी गोटे बी आर लग सिंगल बॉन्ड हो सी एच एट गोटे बी आर हो मैंने कौन यहाँ कौन हम सरी सी एच टू सी एच टू ओके तो ऑप्शन ए आसो सी एच टू बी आर सी एच टू बी आर तो ऑप्शन ए आसो तो यहाँ सिंपल ब्रोमिनेशन रिएक्शन मन रखिए इलेक्ट्रोफिलिक हालोजेनेशन रिएक्शन जोटा कि आम कही था जेनराली कौन हम ना इथेलिन डाइहैलाइड आपर फॉर्मेशन हम ऑप्शन ए जार करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्लोरीन भी सही टाइप आस फाड़ जे जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन अल्काइन जनरल फॉर्मूला आपन बुझे ऑप्शन ए रे देची सी एन एच टू एन माइनस टू है सी एन एच टू एन माइनस टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन रहा देखु मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलिन बाय अल्कालाइन के एम एन ओ फोर तो मेजर प्रोडक्ट कौन ऑब्टेन हम जो आम ऑक्सीडेशन करवा क्या ना एसिटिलिन को बाय अल्कालाइन के एम एन ओ फोर हला एटा देखंतु एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन हम देखंतु तो एटा जनरली आमको देखिए कौन आम क्या ऑक्सीडेशन करवा ना एसिटिलिन को
हला एसीड हेलेनि सी एच सी टू एच टू हला आपको जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन सॉरी अल्काइलिन केएमएनओ फोर प्रेजेंस रिडक्शन करवा सिंपल देखु एटा कौन हम ना एटा ऑक्सैलिक एसीड कन्वर्ट हो मन रखिए हला आर करेक्ट आंसर आसो ऑक्सैलिक एसीड ऑप्शन रे ऑक्सैलिक एसीड आसो ऑप्शन डी रे आसो करेक्ट तो यहाँ आप मन रखिए वेन अल्कालाइन केएमएनओ फोर एठार गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आकार आक्ट कर तो से ऑक्सीजन आपंकर भांगिकी आपर सीओएच सीओएच रे कन्वर्ट हो सब दीटा आपंकर सीओएच ग्रुप जोटा कि ऑक्सैलिक एसिड हला तो मन रखिए ये जो रिएक्शन ने जो पिंक कलर टा थी केएमएनओ फोर पिंक कलर जोटा थी तो सर डिकलराइज हो तो ऑक्सैलिक एसिड आसो मन रखिए तो ये टाइप ये दुईटा रिएक्शन होता है गोटे आपको जदि भी देदेला स्पेसीफाई करदेला जदि आम एक्सेस हीट कंडीशन आपको गरम करके रिएक्शन टा करवा हॉट कंडीशन ने तो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड दब बट आम जब कोल्ड कंडीशन में करवा तो सी आपंकर ओनली फॉर्मिक एसिड दब है मन रखिए तो यहाँ जनरल जब किसी देनी तो आप फास्ट हॉटटा ही थे फास्ट तो सीटा हम कौन ऑक्सैलिक एसिड ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए देखो जिते आपंकर गोटे एसीटिलीन है एसीटिलीन क्या सहित रिएक्शन कर एचओसीएल सा रिएक्शन कर प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हम है देखते ये इंपोर्टेंट रिएक्शन तो आपंकर जिते एसीटिलीन रिएक्शन कर सहित ना एचओसीएल सहित प्रोडक्ट कौन आस तो सिंपल मन रखु मुझे रखुच्ची सी एच ओ एच फास्ट लगे देन सी एच सी एल आपंकर लगे देन एगेन जदि एचओसीएल सहित आम रिएक्शन करवा एगेन तो सी एच ओ एच आपणकर होल टू होन सी एच सी एल टू आपणकर होन माइनस अफ एच टू यू जब आम करवा व्वाटर गोटे बाहर जीतु कौन दीटा था तो ये आपंकर जो प्रडक्ट आसपे सी एच ओ आसो तले सी एच सी एल टू आसो जोटा कि आम कही डाइक्लोरो एसिटाइल डीहाइड कौन कही आपको डाइक्लोरो एसिटाइल डीहाइड जोटा कि ऑप्शन ए रे डाइक्लोरो एसिटाइल डीहाइड मन रखिए देखिए कौ ऑप्शन देखु है डाइक्लोरो एसिटाइल डीहाइड फॉर्मेशन हम है आपणकर डाइक्लोरो एक्चुअली ऑप्शन दे ना डाइक्लोरो एसिटाइल डीहाइड हम सी एल टू सी एच है यहाँ आप चेंज कर दिखाँ सी एल टू सी एच ऑप्शन ए है तो आपने रिएक्शन टा सही टाइप हम मन रखिए जिते आपणकर एसिटिलीन रिएक्शन कर हाइपोक्लोरस एसिड सहित से डाइक्लोरो एसिटाइल डीहाइड आपंकर फॉर्मेशन हम मन रखिए अल्काइन शो डैश रिएक्शन अल्काइन आपंकर रिएक्शन आपंकर शो करता है अल्काइन अल्काइन आपंकर क्यों रिएक्शन शो करता है ना बोथ इलेक्ट्रोफिलिक आउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपंकर शो करता है अल्काइन मन रखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपंकर शो करता है अकॉर्डिंग टू मैकोनिकोव्स रूल एवं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है तो ऑप्शन डी आसो करेक्ट आंसर मन रखिए ठीक अच्छे तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ थी आम लास्ट क्वेश्चन आशा करूँ वीडियो आपको भल लगे जब भल लगे निहाँ लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ ठीक अच्छे टेलीग्राम जब जॉइन होती टेलीग्राम जॉइन हो जातु लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव ठीक अच्छे सो थैंक यू।